एक्सपोनेंट एंड पावर हमारा टॉपिक है, ठीक है। एक्सपोनेंट और पावर होते क्या है, पहले मैं वो बता रहा हूँ, उसके बाद मैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बताऊंगा। जैसे कि कोई नंबर है हमारे पास 3 raised to power 4, इस तरह का कोई नंबर है, इसमें जो 3 है ना हमारा क्या है, बेस है, 3 इज बेस, इसमें 3 बेस है एंड 4 इज एक्सपोनेंट। जो ये पावर होती है इसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं, 3 raised to power 4, 3 बेस होगा एंड 4 एक्सपोनेंट, और एक्सपोनेंट को पावर भी कहते हैं। अब 3 raised to power 4 का मतलब क्या है कि 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कराओ, लाइक 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3। अब 3 multiply 3 9 9 multiply 3 27 27 multiply 3 81। अब नेक्स्ट हम करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में जैसे ये x रेज टू पावर n है मल्टीप्लाई x रेज टू पावर n है, इसमें x क्या है, बेस है, और m एक्सपोनेंट, इसमें भी x बेस है और n एक्सपोनेंट। तो अगर इस तरह से हो, बेस सेम हो लेकिन एक्सपोनेंट या पावर अलग अलग हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो हम पावर्स को ऐड करते हैं। हम क्या लिखते हैं, x रेज टू पावर m प्लस n। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 2 raised to power 3 है मल्टीप्लाई 2 raised to power 4 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 raised to power 3 plus 4। पावर्स को ऐड कर दो, ये कब करना है, जब बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो ये 2 raised to power 7 हो जाए। अब नेक्स्ट लॉ है लॉ सेकंड है x raised to power m है डिवाइडेड बाय x raised to power n, ठीक है। और इसको हम डिवाइड को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x raised to power n अपॉन x raised to power n। तो इनका आंसर क्या होता है, x raised to power m minus n। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 3 raised to power 4 है और नीचे 3 raised to power 2 है डिवाइडेड बाय, ये एक्चुअली डिवाइड का ही साइन होता है, फ्रैक्शन जो होता है ना इसको हम डिवाइड ही मानते हैं। इसका मतलब क्या है, 3 raised to power 4 डिवाइडेड बाय 3 raised to power 2। अब बेसिस सेम है तो पावर्स माइनस होंगी अगर यहां पर डिवाइड हो रहा है, तो 3 raised to power 4 minus 2, और 3 raised to power क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और पावर 2 हो तो उसको हम 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 को, 3 multiply 3 9। ये सेकंड लॉ हो गया हमारा। अब थर्ड लॉ में देखो, इसमें पावर सेम आ रही है लेकिन बेसिस अलग अलग। ऐसे केस में क्या होता है, जब पावर सेम हो बेसिस अलग हो तो हम बेसिस को मल्टीप्लाई करके एक सिंगल पावर लिख देते हैं। जैसे कि इधर x raised to power m है मल्टीप्लाई y raised to power m है, तो x और y को हम मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट में लिख देंगे और एक कॉमन पावर लिख देंगे। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ इस थर्ड लॉ पे, जैसे कि हमारे पास है 3 raised to power 4, और एक बार बेस को हम ना हम फ्रैक्शन में ले लेते हैं, लाइक 2/3 ले लेते हैं। बेस फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ठीक है। तो 3 raised to power 4 मल्टीप्लाई 2/3 whole power 4 ऐसे हो, तो इसमें क्या लग रहा है हमें कि पावर सेम है, ये दिख रहा है कि बेस पावर सेम है लेकिन बेस अलग है। तो हम क्या करेंगे, बेसिस को मल्टीप्लाई कर लेंगे और कॉमन पावर बाहर। अब इसको सॉल्व करें तो ये 3 और ये 3 कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रहा, 2 की पावर 4, तो 2 raised to power 4। तो ये हमारा लॉ थर्ड आ गया। अब लॉ फोर में देखो क्या है बच्चे, इसमें डिवाइड हो रहा है, पावर सेम है। अगर हम यहाँ इस साइड देखें, x raised to power m divided by y raised to power m है, पावर सेम है, बेस अलग है और डिवाइड हो रहा है। ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि हम बेसिस को ब्रैकेट में लेके होल पावर m लिख सकते हैं। और अगर इस फॉर्म में दिया हो कि x अपॉन y की पावर m दे रखी है, तो जो पावर m है ना ब्रैकेट के बाहर और अंदर वाले दोनों नंबर के साथ चाहिए, वो पावर m x के साथ भी लिख सकते हैं, y के साथ भी लिख सकते हैं। तो ये लॉ दोनों तरफ से अप्लाई हो सकता है, इवन हर लॉ दोनों तरह से अप्लाई हो सकता है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। अब इसका एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि हमारे पास 3 raised to power 4 है और डिनोमिनेटर में 5 है, तो क्या हो गया, 3/5 की पावर 4। तो जो ये पावर 4 है ना, ये 3 के साथ भी जाएगी और 5 के साथ भी जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 4। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, और इसको 3 को हम 4 टाइम लिखेंगे, 3 into 3 into 3, और 5 को भी 4 टाइम, और सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया। और बाय चांस अगर इस फॉर्म में दिया हो, जैसे कि 3 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 4 दिया हो, तो हम पावर को कॉमन लिख के ब्रैकेट में 3/5 लिख सकते, तो लॉ दोनों तरफ से अप्लाई हो सकता है, ये ध्यान रखें। अब लॉ 5 क्या है, x raised to power n आउटसाइड ब्रैकेट पावर n है,
तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे जब भी इस फॉर्म में होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास थ्री रेज टू पावर टू है, थ्री रेज टू पावर टू और आउटसाइड ब्रैकेट पावर थ्री है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, थ्री रेज टू पावर टू मल्टीप्लाई थ्री करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, थ्री रेज टू पावर टू मल्टीप्लाई थ्री सिक्स। तो जब भी ऐसे दिया हो x रेज टू पावर m आउटसाइड ब्रैकेट पावर n, तो उसको हम x रेज टू पावर m इंटू n लिख सकते हैं। ये लॉ फाइव है और उसका एग्जांपल भी मैंने दिया। अब लॉ सिक्स, अगर किसी बेस में पावर नेगेटिव हो, बेस के पास पावर नेगेटिव हो, तो हम उसका रेसिप्रोकल करके पावर को पॉजिटिव बना सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास थ्री रेज टू पावर माइनस टू है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन थ्री रेज टू पावर पॉजिटिव टू, पावर का साइन बदल जाए तो ये क्या हो जाएगा, थ्री रेज टू पावर टू हो जाएगा। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ना, तो वन अपॉन थ्री की पावर टू है तो थ्री इंटू थ्री नाइन, तो वन अपॉन नाइन। लॉ सेवन, लॉ सेवन में क्या है, अगर हमारे पास एक्स अपॉन वाई होल पावर माइनस एम है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, वाई अपॉन एक्स, यानी कि इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर दो और पावर को पॉजिटिव बना। तो ये लॉ सिक्स और लॉ सेवन ऑलमोस्ट सिमिलर है, दोनों केस में हमने क्या किया है, पावर को पॉजिटिव बनाया है और रेसिप्रोकल। तो लॉ सिक्स में भी लॉ सेवन में भी, अब लॉ सिक्स का एक, अब लॉ सेवन का एक एग्जांपल दे देता हूं मैं। लाइक अगर हमारे पास थ्री बाय फाइव फोर पावर माइनस टू है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, फाइव अपॉन थ्री ब्रैकेट फाइव अपॉन थ्री ब्रैकेट पावर पॉजिटिव टू, ठीक है, तो इस तरह से और इसको आगे सॉल्व कर देते। अब फाइनली लॉ एट, अगर एनीथिंग पावर जीरो है, जैसे इधर एक्स की पावर जीरो क्या वन है, लेकिन x के अलावा कोई और नंबर हो, लाइक 3 की पावर 0 ले, तो क्या होगा, 1 होगा। इवन मैं 10 लाख की पावर 0 ले लूं, 10 लाख लिख रहा हूं मैं यहां, और उसकी पावर 0 ले लूं, तो भी इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। ये याद रखना, बेस कुछ भी हो, पावर अगर 0 है तो आंसर क्या होता है, 1 होता है। अब इन सब लॉ के अलावा कुछ पॉइंट्स है वो याद रखने हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि माइनस 1 की पावर अगर ऑड है तो आंसर माइनस 1 होगा, और माइनस 1 की पावर इवन हो तो आंसर पॉजिटिव वन हो, और अगर वन की पावर ओड हो, पॉजिटिव वन की बात करो, या फिर इवन हो, उस केस में आंसर हमेशा वन ही है, ठीक है। तो ये तीन पॉइंट और याद रखो, क्लियर है। तो यही एक्सपोनेंट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर लिया।